नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है स्टडी फॉर ऋषि चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो है नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। किस किस को ये 2021 में नोबेल प्राइज मिला है? आपको एमपी सिविल जज का एग्जाम जो है 6 मई को है और इसमें करंट अफेयर आएगी जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के बनेंगे, क्योंकि सारे जो अवार्ड अभी तक घोषित कर दिए गए हैं, बता दिए गए किस किस को क्या अवार्ड मिला है, चाहे नोबेल प्राइज हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, ये जो प्राइज है आपको इनके बारे में देखना होगा, क्योंकि उम्मीद है कि इनके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए पेपर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी, पेपर भी आने वाला है। नोबेल प्राइज के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे, उससे पहले हम नोबेल प्राइज का एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कब से ये नोबेल प्राइज जो है दिन स्टार्ट हुए थे, किन्होंने नोबेल प्राइज को एक तरीके से स्थापना की थी इस प्राइज की, कि हम एक ये प्राइज पूरे वर्ल्ड लेवल पे दिया जाएगा। तो इसके संस्थापक है नोबेल प्राइज के, इनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हम देखें ये हुई थी 21 अक्टूबर 1833 को जो है नोबेल प्राइज सबसे पहले दिया गया था। और ये कहाँ के थे? ये स्वीडन के थे, स्वीडन में स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम ये भी लिख देती हूँ मैं, स्टॉकहोम, यहां से जो है नोबेल प्राइज जो है सबसे पहले दिए गए थे। ये पूरे दुनिया में जितने भी फेमस होते हैं किस क्षेत्र में, चाहे वो भौतिकी में हो, रसायन में हो, चिकित्सा, साहित्य, शांति, मतलब ये है फेमस, मतलब ये है कि कोई इतना अच्छा योगदान देता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में तो उसको विश्व स्तर पर एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको नोबेल प्राइज हम कहते हैं। तो ये जो नोबेल प्राइज है इन्होंने सबसे पहले 1990 में एक निजी संस्था चलाई थी जिसका नाम था नोबेल फाउंडेशन, की स्थापना की थी इन्होंने। बता दी मैंने आपको किस किस क्षेत्र में मिलता है ये, भौतिकी में, साहित्य में, रसायन में, चिकित्सा में और शांति के लिए। फिर क्या हुआ, वर्ष 1968 में इकोनॉमिक्स का के लिए भी जो है इस प्राइज को देने के लिए घोषणा की गई, ये की थी एक बैंक है स्वीडन की, स्वेरिजेस रिक्स बैंक, इसने जो है 1968 में स्थापना की थी कि इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया जाए। फिर पहली बार जो है 1969 में पहली बार जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। देखो किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था रेगनार फ्रेश को, और दूसरे नाम था ये था जैन, इनको जो है पहली बार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया था। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि 2021 में किसको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक्स के लिए किसको मिला है, इकोनॉमिक्स के लिए 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है 2021 में। पहले हैं डेविड कार्ड, दूसरे हैं जोशुआ डी एग्रेट्स, दूसरे हैं गुइडो डब्लू इन्वेंस। ये 3 लोगों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। तीनों कहाँ के हैं, तो तीनों ही ये यूएसए के हैं, इसको याद रखना आप। ठीक है, जो इनको धनराशि दी गई है ना, जितना भी इनका पेमेंट है, तो जो धनराशि इनकी, तो आधा पेमेंट इनको दिया गया है, बाकी आधा इन दोनों को दिया गया था। अगला है कि जो शांति के नोबेल प्राइज मिला है वो किसको मिला है, ये है मारिया रेसा, ये फिलीपींस की है, और दिमित्रा मुरातोव, ये रशिया की है, तो इनको शांति के लिए पुरस्कार मिला है। इनको आप याद रख लेना, क्योंकि शांति का तो बहुत बार पूछता है, शांति और साहित्य ये दो का बनता है। अगर आप यूपीपीसीएस का पेपर देंगे तो उसमें तो बनता ही बनता है क्वेश्चन नोबेल प्राइज का, प्लस अब आप एमपी का पेपर दे रहे हैं तो हो सकता है आपको देखने को मिल जाए नोबेल प्राइज या फिर पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो भी प्राइज अब तक बता दिए गए उसमें से कोई बन सकता है। साहित्य लिटरेचर के लिए इसको मिला है, तो ये अब्दुल रजाक है गुरनहार, इनको मिला है अब्दुल रजाक गुरनहार, ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं, इनको मिला है साहित्य के लिए। बाकी देखते हैं फिजिक्स के लिए और मेडिकल में चिकित्सा के लिए किसको मिला है, देखते हैं आगे। तो ये रसायन के लिए
रसायन के लिए कितने लोगों को मिला है? दो लोगों को मिला है, एक है बेंजामिन लिस्ट, ये जो है जर्मनी के हैं, और एक है डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, ये यूएसए के हैं। इन दो लोगों को रसायन के लिए नोबेल प्राइज मिला है। दूसरे है चिकित्सा विज्ञान, इसमें दो लोगों को मिला है, पहले है डेविड जूलियस और दूसरे हैं एड्रम पाटा पोशियल, ये दोनों चिकित्सा विज्ञान के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। और भौतिक विज्ञान के लिए किसको मिला है? ये टोटल तीन है जिनको मिला है, पहले है इशियोकुरो मनावे, ये जापान के हैं, दूसरे हैं क्लाउस हेसलमैन जर्मनी, और तीसरे हैं जियो जिवियो पारसी, ये इटली के हैं। तो ये है जो टोटल सात क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये उनके नाम है जिनको 2021 में नोबेल प्राइज दिया गया है। आप इनको याद कर लेना, वीडियो फिर से रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं ताकि आपको बार बार याद हो जाए, क्योंकि इनके जो नाम है बहुत मतलब बहुत ज्यादा टफ है इनको याद करना, सब नाम एक जैसे लगते हैं, तो आप इसमें कोई ट्रिक अपना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं इनको। जैसे डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन है, और डेविड जो है उसमें इकोनॉमिक्स में जो है उनको भी मिला है डेविड, तो आप किस तरह ट्रिक बना इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से। अगली वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।